आप जैसे देख सकते हो, मेरे को तो यार ऐसा लग रहा है किसी के ना मुंह का जबड़ा है, ये जैसे ओपन होता है, ये टीथ बने हुए हैं जैसे। पेड़ों के ऊपर आके फोटो वोटो क्लिक कराओ, कभी यहाँ बैठ के फोटो क्लिक कराओ, अलग अलग जगह यहाँ आके आप फोटो क्लिक करा सकते हो। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम दिल्ली में और लेकर आ गई हूँ आपको दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक पार्क में, जो कि कपल्स पार्क रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंद्रप्रस्थ पार्क की। तो दोस्तों, इसे मिलेनियम पार्क भी कहा जाता है। तो आज हम ये पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, अंदर टिकट प्राइस क्या है और अंदर हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे साथ में, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। बात कर लेगा लोकेशन की, तो ये रिंग रोड जीटी रोड गंगा विहार सरायकालेखा में पड़ता है। जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो निजामुद्दीन सरायकालेखा पड़ने वाला है। 7 days ये पार्क ओपन रहता है। टाइमिंग अगर बात कर ले तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये पार्क जो है खुला रहता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करवाते हैं आपको मिलेनियम पार्क एक्सप्लोर। सामने है सरायकालेखा का मेन रोड, ये पूरा मेन रोड जा रहा है। मेन रोड पे ही आपको ये मिलेनियम पार्क देखने को मिल जाएगा। सामने देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ पार्क, और इसे मिलेनियम पार्क भी बोलते हैं दोस्तों। और अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो ये पूरा पार्किंग स्पेस रहने वाला है। तो चलिए अंदर चल के आपको पूरा पार्किंग चार्ज भी बता देते हैं। ये पूरा पार्किंग स्पेस है जहाँ पे 2-wheeler का 20 है और कार का 40 rupees है। गाइज, यहाँ से मैं कर रही हूँ एंट्री। तो चलिए अंदर चलते हैं और चल के एक्सप्लोर करते हैं मिलेनियम पार्क। सो गाइज, हमने वहाँ से एंट्री करी, ये पूरा पार्किंग स्पेस था। हम वहाँ से आए, बाहर की साइड से हमने एंट्री करी। आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपके राइट साइड में ना आपको स्टूप और कैफेटेरिया और बच्चों के लिए कुछ झूले हैं उधर, वहाँ पे वो मिल जाएगा। एंड देन इस तरफ आपको पूरा कपल्स गार्डन देखने को मिलेगा। तो अभी हम इस तरफ ही जाने वाले हैं और यहीं पर ही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। चले चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। एंटर किया जहाँ पर मतलब इस तरफ कपल्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे आपको, साथ में ही आपको ये गार्डन एरिया देखने को मिलेगा जहाँ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। तो अगर आप नेचर लवर भी है ना तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं। साथ आपको कुछ इस तरीके के सिटिंग एरिया भी मिल जाएंगे। साथ में ही ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, देख सकते हैं सामने कितने फ्लावर्स वगैरह लगे।
गाइस ये सामने है एक स्टेज जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स डे टू डे होते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इधर यहाँ पे वो भी देखने के लिए आ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ पार्क में, और दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा कवर किया तो मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत पार्क है, एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो ये कपल्स पार्क है लेकिन आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। और जस्ट इसके पीछे ही बैक साइड में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है और ऑन रोड बाहर के साइड में ऑन रोड मिलेगा। तो ये ऑन रोड और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ये पार्क स्थित है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, अगर आप नेचर लवर हो और अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हो, अच्छी वाइब चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। कुछ ये सिटिंग एरिया बना रखा है दोस्तों, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये सिटिंग एरिया का। सो गाइस पार्क में कुछ ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं। खूबसूरत यूनिक प्लेस देखने को मिला, वहाँ पे इतना यूनिक स्टाइल में कुछ चीज़ें हैं जो कि दर्शाई गई है, वो आज तक किसी ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ब्लॉगर्स आते हैं, वो क्या करते हैं कपल्स को इनको ही शूट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाली हूँ। तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको उस जगह पर। सो गाइस ये सामने जो आप ये जितने भी पत्थर देख रहे हैं ना, ये पूरे राउंड में गोल सर्कल में घूमे हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, साथ में ही नहीं इनमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, यूनिक स्टाइल्स बने हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सारे आपको वो यूनिक स्टाइल दिखाती हूँ। तो कुछ ये यूनिक स्टाइल इस तरीके से है, लेकिन इन पत्थरों को भी ना कपल्स ने नहीं छोड़ा है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, गोलू लव बिट्टू नवाज मंथसा, पता नहीं क्या नाम है यार, अजीब से नाम है, मोहिनी रतन 50N। मतलब गाइज ये चीज़ है ना, आप जो ये जो यूनिक चीज़ें होती है ना, इनको प्लीज़ ख़राब मत किया कीजिए। देखिए ये देखिए, तो मतलब ये पत्थर है ना, बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पर और कुछ ना कुछ यूनिक स्टाइल इन पर बना हुआ है। जैसे कि आप ये नेक्स्ट ये पत्थर देख सकते हैं, कितना यूनिक स्टाइल है। जैसे कि बीच में से फ्लो गिरे पानी का, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी हम कह सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पत्थर हम देख सकते हैं कितना यूनिक बना हुआ है, क्रंची टाइप में देखिए। एंड उससे नेक्स्ट ये देखिए, पत्थर के ऊपर काट के पत्थर लगा रखा है और इसमें कुछ छेद भी करे हुए, देखिए मुंह के जबड़े की तरह है। देखिए बिल्कुल ये सब अपने जिम वाली बॉडी का दम यहाँ पे लगा सकते हो, कौन उठा सकता है। मैं तो जिम जाते नहीं, इसलिए मैं नहीं उठा। अमृत क्या कहना चाहोगे इन सब पत्थरों के बारे में? मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा है, यूनिक है थोड़े, और हर पत्थर के ऊपर ना अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। तो आप गैस करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये कौन कौन से डिज़ाइन आपको समझ में आ रहे हैं, या आप जैसे देख सकते हो। मेरे को तो यार ऐसा लग रहा है किसी के ना मुंह का जबड़ा है, ये जैसे ओपन होता है, ये टीथ बने हुए हैं जैसे। एग्जैक्टली और पता है इसके अंदर ना जैसे जीभ जो होती है वो भी दिखाई गई है, देखिए राइट देखो किस तरीके से अंदर जीभ सी भी दिखाई गई है। बाकी आप यहाँ आके मौज मस्ती भी कर सकते हो, पेड़ों के ऊपर आके फोटो वोटो क्लिक कराओ, कभी यहाँ बैठ के फोटो क्लिक कराओ, अलग अलग जगह यहाँ आके आप फोटोज क्लिक करा सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो, हर एनवायरनमेंट का फायदा उठा सकते हो बिल्कुल फ्री, जिसे कहते हैं, क्योंकि इस पार्क में आने में कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस हाँ आपके ना जो भी आप पार्किंग जो चार्जेस लगने वाले वो, या अगर मेट्रो में आ रहे हो तो मेट्रो के चार्जेस, बस बाकी सब फ्री, और खाना पीना इंक्लूड। सो गाइस ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्थर है जिनमें कुछ ना कुछ यूनिक स्टाइल्स बनाए गए हैं, पूरा राउंड सर्कल में पूरा घुमा हुआ है, बहुत ही यूनिक प्लेसेस है दोस्तों ये। सो ये वाला जो आप पत्थर देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल यूनिक लग रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे सूर्य उदय होते हुए बिल्कुल सूरजमुखी की तरह चमकता हुआ, एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर। और उसके साथ ही देखिए एक ये वाला पत्थर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से ना आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे।
सो गाइज मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं इन पत्थरों के ऊपर ही बैठ गई और मैंने देखा यहाँ पर कि हर पत्थर पर ना किसी न किसी आशिक ने अपनी आशिकी करी हुई है और वो जन्म जन्मांतर के लिए ना एक हो चुके हैं। तो अगर आप भी जन्म जन्मांतर के लिए एक होना चाहते हैं तो इस पत्थर पर जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए आके, और ये पत्थर आपकी मन्नत जल्दी से सुन लेगा और आपको एक कर देगा। जोक था यार, लेकिन ये ऐसा मत करना। मतलब कितने खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। बाकी इनके बारे में मैंने बता नहीं रखा है, वरना मैं आपको डिटेल में बताती कि मतलब ये किस लिए क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है कुछ। और बाकी एक एक करके सारे पत्थर अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आप खुद आएंगे ना तो ये जगह मिस मत कीजिएगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि गिफ्ट बांध के रिबन बांध देते हैं, इस तरीके से लगा हुआ है। बाकी नीचे आकाश लव रुखसार लिखा हुआ है। एंड ये वाला देखिए, इसमें ना फिंगर्स बनाई हुई है नीचे की तरफ में, देखिए कितनी सुंदर फिंगर्स है और बीच में छेद छेद बना रखे हैं। मतलब एक ना ये बॉडी ह्यूमन है। अब क्या दर्शाया गया है ये तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखने में ना गाइज ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए बाकी ऐसे ही आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के पत्थर देखने को मिलेंगे जहाँ पर जिसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो रखी होगी पूरा राउंड सर्कल घूमते हुए। सो गाइस सामने ही ना निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा बैक साइड में, और कुछ चेयर लगा रखी है जो कि कपल्स वगैरह यहाँ के बैठते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं वो ये है कि दोस्तों इसमें टिकट एकदम फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता है इधर आने का। साथ में ही अगर आप बाहर से अपना लंच या फूड लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर लाना अलाउ है, आप इजीली यहाँ पे लेके आ सकते हैं। साथ में बच्चों के लिए कुछ राइड्स बना रखी है, प्ले ग्राउंड बना रखा है। साथ में ही एक शांति स्तूपा भी है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे चल के आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ से हम लोग पार्क घूम के आने के बाद ना कैफेटेरिया की तरफ आ गए। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, तो आप अंदर से कुछ खा पी भी सकते हैं। सो ये कैफेटेरिया है आईपी पार्क का। तो चलिए एक बार प्राइस लिस्ट देख लेते हैं इधर की। सामने ही बच्चों का प्लेग्राउंड भी है, तो ये भी आप अगर आपके साथ बच्चे भी आ रहे हैं, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से बाइक भी मिल जाएगी, बाइक राइड्स बच्चों के लिए। बाकी बच्चे काफ़ी स्लाइड में मज़े ले रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते आके। देख रहे हो कितना नॉटी है ये। मिलेनियम पार्क घूमने के बाद अब मैं आ गई शांति स्तूप विजिट करवाने के लिए। तो आपको मिलेनियम पार्क के अंदर शांति स्तूप भी देखने को मिलेगा। तो मेरे पीछे देख सकते हैं वाइट कलर का शांति स्तूप बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको यहाँ के भी यहाँ भी एक्सप्लोर। लॉयन देखने को मिलेंगे इस तरफ और इस तरफ।
हाथी का स्तूपा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अंदर चल के आपको एक एक्सप्लोर करवाएंगे कि अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको। चलिए चलते हैं। स्टेयर्स के पास ही यहाँ पर अपने शू वगैरह रख सकते हैं, उसके बाद ऊपर जाके स्तूपा विजिट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का ना एनवायरनमेंट बना रखा है यहाँ पे। देखिए गाइस, मैं अभी पूरा परिक्रमा कर रही हूँ इस शांति स्तूपा का, और पूरा ग्राउंड घूमते हुए पीछे की तरफ मैं मतलब मूर्तियाँ भी लगाई गई है। इधर आगे भी मूर्तियाँ हैं, बैक साइड में भी है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक और बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है। ये दृश्य देख सकते हैं कितना मनमोहक लग रहा है दोस्तों। 4 से 5 मूर्तियाँ आपको यहाँ पर बुद्ध जी की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ना आपको पूरा ये शांति स्तूपा ऐसे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। एक ये भी आपको मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टैचू लगाए गए हैं बुद्ध जी के, पूरा मन मोहक लेने वाले हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी, और एक नेचुरल वाइब्स आ रही है यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर आने के बाद, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप IP पार्क आ रहे हैं तो आप शांति स्तूपा भी विजिट कर सकते हैं। एंड आप ये वाला बुद्ध जी देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ पर ना बुद्ध जी के बहुत बड़ा स्टैचू लगा रखा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना मू म्यो हो रेंगे क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता लिखा हुआ था, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना अगर इसका मतलब आपको पता है तो। So, कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफर में, देखते रहिए DLRB ब्लॉग। सो बाय दोस्तों, थैंक यू।